हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 4 मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वायर्ड सेवर्ड लॉ। तो इस वायर्ड सेवर्ड लॉ में हमें करना क्या होता है, वायर्ड सेवर्ड लॉ एक्चुअली बताता क्या है। वायर्ड सेवर्ड लॉ बताता है कि कोई भी एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, इस कंडक्टर के कारण इस कंडक्टर में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण किसी भी पॉइंट, आर्बिट्री कोई पॉइंट है पी, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो ये वायर, तो इस वायर के किसी भी पॉइंट, लेट अस सपोज मैं आपको आपसे बात करूं, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है डीएल, छोटी सी लेंथ, दूसरे को रीच कर लेते हैं। तो इस छोटी सी लेंथ डीएल के कारण इस पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि आपको पता है अगर हमने एक किसी छोटे से पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली तो उसको जस्ट हम इंटीग्रेट करेंगे, हमें पूरे वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट के कारण इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि अभी स्टार्टिंग में इस छोटा सा जो पार्ट डीएल है वो आर वेक्टर, उससे पी पॉइंट किधर है, आर वेक्टर के डिस्टेंस पर है, आर वेक्टर के पोजीशन पर है। क्लियर बात इतनी हमें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को, छोटा वाला पार्ट, इसको बाहर निकाल दिया। ये मेरा डीएल पार्ट, ये मेरा पी पॉइंट, और ये है आपका आर वेक्टर, ठीक है। करंट किधर जा रहा है इसमें हमारा, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट किधर जा रहा है ऊपर की तरफ। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी हो जाएगी आपकी ऊपर की तरफ, क्योंकि जो डीएल वेक्टर, जो आपका लेंथ है, वो आपकी किसके डायरेक्शन में होती है, हमेशा आपकी करंट के डायरेक्शन में ही होती है, ठीक है। और ये क्या है मेरा पोजिशन वैक्टर आर, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, इस डीएल पार्ट की, इस पूरी वायर में छोटा सा पार्ट जो डीएल है, उस छोटे से पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उसके कारण पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। पी पॉइंट पर इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखो, जो वायर्ड सेवर्ड लॉ होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज को बताता है पहले, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी एट पी, जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पर किसके कारण, ड्यू टू डीएल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली करंट के। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो प्रोपोर्शनल होती है डीएल के, कि जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तीसरा पॉइंट, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड होती जाएगी। तो जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला ये बनता है, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, यहां पे क्या आएगा आपका, आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एक डायरेक्शन है और ये पूरा पूरा मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर की डायरेक्शन और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या है मेरा वायर्ड सेवर्ड लॉ का बेसिक कंडीशंस। देखो ध्यान से, करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है, कैपिटलाइज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल के प्रोपोर्शनल और आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फील्ड क्या बनता है, ये बनता है। और अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, यहाँ पे आर क्या है, सिर्फ कैप के फॉर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और कर सकते हैं इसको, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और यहाँ पे क्या कर दें हम, आर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या बन जाएगा, ये आई डीएल क्रॉस आर
अपॉन आर क्यूब, ऊपर दोनों वेक्टर वेक्टर हो गए, नीचे क्या हो गया उसका क्यूब, क्लियर। लेकिन अभी यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हम हटाना है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, और जो कि होता है क्या, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट क्या होता है यहां पर हमारा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाता है यहां पर हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। तो यहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है फिर आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये आपको याद रखना है। और ये ही हमारा क्या, बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है। क्या बायोट सेवर्ट लॉ हमारा, डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। यहां पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है मेरा पर मीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। थोड़ा सा मीनर के बारे में बात कर लेंगे अभी हम, तो ध्यान से देखना आप लोगों को। तो ये मी नॉट क्या होता है, मी नॉट होती है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होता, परमिटिविटी, कंफ्यूज नहीं होना, ये परमिटिविटी है, परमिटिविटी। ये क्या बताता है हमें, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, कोई मटेरियल कितना डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है किस मटेरियल की, आप इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या है किसी भी मीडियम की, एयर की मीडियम की क्या प्रॉपर्टी है, वाटर की कितनी परमिटिविटी होती है, परमिटिविटी होती है, और ग्लास की कितनी होती है। तो हमें ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। और म्यू नॉट क्या है मेरा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ एनी मटेरियल या फिर ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में किसे पता लगेगा, हमें म्यू नॉट से पता लगेगा। जनरली क्या होता है, ये होता है आपका ये म्यू इक्वल टू, म्यू क्या होता है परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम, और वो क्या होता है म्यू आर म्यू नॉट। जब ये म्यू नॉट होगा तो म्यू नॉट होता है हमारा वैक्यूम के लिए, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। और जनरल जब हम बात करते हैं तो हम किससे डिनोट करेंगे, म्यू से डिनोट करेंगे। तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट। और म्यू आर क्या है यहां पे, म्यू आर रिलेटिव परमीएबिलिटी, रिलेटिव परमीएबिलिटी, ठीक है। ये परमिटिविटी है और ये क्या है परमीएबिलिटी, क्लियर हो रही बात आप लोगों को। और म्यू नॉट क्या होता है वैक्यूम, और सिंपल जहां पे म्यू होगा वो क्या होगा मीडियम होगा। अब देखो इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे जो हमने डायलेक्ट जो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लिखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10^-7, कितनी होती है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 pi × 10^-7। आपको हमेशा ये वैल्यू याद रखनी है, ये वाली, क्योंकि याद रखने में इजी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10^-7, ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपको पता है ये टेस्ट ही क्या है, टेस्ला होता है, और इसकी एक और यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा बायोट सेवर्ट लॉ, क्या होता है बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू। अगर मैं इस क्रॉस को हटा दूं क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू, और यहाँ पे एक डायरेक्शन आएगी, उस डायरेक्शन के बाद हम थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्शन को थोड़ा स्किप करके चलते हैं, तो आर से आर गया बच्चा का स्क्वायर, फॉर्मूला बना हमारा
mu naught upon 4 pi idl sin theta upon r square. तो ये क्या है हमारा db, db का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा mu naught upon 4 pi idl sin theta upon r square, और db की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है, db का मैग्नीट्यूड आया हमारा कितना आया idl sin theta upon r square. अब बात करेंगे हम पूरी पूरी किसकी, db की डायरेक्शन के ऊपर बात. तो जो db की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है उसको देखते हैं एक बार ध्यान से. हमारा डायग्राम था ये dl, r वेक्टर और p पॉइंट. तो हमारा जो फॉर्मूला था dl क्रॉस r. तो dl की डायरेक्शन ऊपर है, r इधर है, तो dl क्रॉस r की रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो हम अपने जो राइट हैंड रूल है उसको हम यूज कर सकते हैं. तो हमारा जो राइट हैंड रूल होता है वो हमें क्या बताता है कि सिंपल सी बात, आप यहां पे लेके चलो, आप यहां पे राइट हैंड रूल छोड़ सकते हो अभी के लिए. आप हमें क्या यूज करो, जो थंब रूल होता है आपका, आप करंट की डायरेक्शन में अपना हाथ रखो, अंगूठा रखो और अपने फिंगर्स को कर्ल करो. तो इस पॉइंट पर जैसे कि अगर आपको पता हो, अगर ये आपकी एक वायर है तो इसके अराउंड सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड कितनी क्या होती है, आप यहां पर अपना हाथ रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, सर्कुलर होगा. तो ये होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न. ठीक है. तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा एक पार्ट है dl, इसके कारण p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. p पॉइंट पर क्या बतानी है हमें, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है. तो ये काम हम यहां पे कर सकते हैं, इस वायर पर अपना हाथ रखेंगे और p पॉइंट पर जहां भी ये डायरेक्शन होगी वो हमें डायरेक्शन दिखा देगा. लेकिन उससे बेटर डायरेक्शन क्या होता है, उससे बेटर वे क्या होता है, देखो जो डीबी का फॉर्मूला हमें बोलता है डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, मेरी डीबी की होगी. तो डीबी की डायरेक्शन क्या है, डीबी की डायरेक्शन है जो डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन होगी, डीएल क्रॉस आर की जो भी डायरेक्शन मिलेगी आपको वही डायरेक्शन मेरी किसकी होगी, डीबी की डायरेक्शन होगी. ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, यहां पे आपका ये होता है कि आप क्या एज्यूम करो, आप ये एज्यूम करो कि ये आपका डीवी डीएल है और ये आपका आर है, डीएल और आर. ठीक है, डीएल भी अभी आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और आर भी क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, डीएल क्रॉस आर. ठीक, तो यहां पे इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा आपका, आप क्या एज्यूम करके चलना है आपका, तो जो आपकी डायरेक्शन होनी है वो आप क्या करोगे, आपके राइट हैंड थंब रूल से निकाल दोगे. आप डीएल पे अपना हाथ और थंब रखोगे और पी पे क्या करोगे, फिंगर से कर्ल करोगे. तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी, हमारी अंदर की तरफ. किधर होगी पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ. ठीक है, डीएल क्रॉस पी, तो डीएल अपना हाथ रखा क्रॉस बी, ये डीएल क्रॉस आर, तो डीएल पे आपने अपना हाथ रखा आर की तरफ गए और जहां पे पी पॉइंट पे वहां पे अपने फिंगर से कर्ल करा, तो जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आई वो क्या आई आपकी, डीबी आई. क्लियर हो रही बात आप लोगों को. ठीक है, एक तरीका और होता है, वो तरीका क्या बोलता है, वो तरीका बोलता है कि अगर ये आपका डीएल है और ये पॉइंट है पी और यहां पे आर वेक्टर है. ठीक है, और आपको डीएल क्रॉस आर करना है, डीएल क्रॉस आर करना है, तो आप क्या करो, आप डीएल और आर दोनों को एक प्लेन में कर दो, पूरा पूरा एक प्लेन में, डीएल क्रॉस आर, एक ऐसा प्लेन चूज करो जिसमें आपका डीएल भी आ जाए और आर भी आ जाए, डीएल भी आ जाए और आर भी आ जाए, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, मेरा डीबी होगा. लेकिन परपेंडिकुलर दो होते हैं, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, और वो किस पता लगेगा किधर है,
और पता लग जाएगा आपका राइट हैंड थंब रूल से। तो किधर जा रहा है वो, अंदर की तरफ जा रहा है, तो इस प्लेन के अंदर वाला परपेंडिकुलर जो होगा वो आपका क्या होगा, डीबी होगा। जैसे कि अगर आपको याद हो ये आपका क्या है एक्स, ये आपका क्या है वाई, और कोई आपसे बोले कि एक्स क्रॉस वाई कितना होगा, आपके बोलते हो जेड होगा, लेकिन देखो एक्स और वाई दोनों ही मेरे एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो जेड क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो आपको चूज कैसे करना है, आपको चूज करना होता कैसे, आप एक्स से वाई की तरफ गए आपको जेड मिल जाएगा। देखते हैं यहां पे, हम एक्स से वाई की तरफ गए आपको जेड मिला ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जेड किधर होगा, आपको ऊपर वाला होगा। क्लियर हो रही बात आप लोगों को? तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होता तो आप ऐसा प्लेन चूज करते हैं जहां पे हमें दोनों वेक्टर एक प्लेन में आ जाए, एक्स भी उसी प्लेन में और वाई भी उसी प्लेन में, तो जो रिजल्टेंट होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर बात हो रही है आप लोगों को? ठीक। तो यहां पे हमें पता चला कि डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, तो डीबी की डायरेक्शन क्या होगी, डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है यहां पे, डीएल क्रॉस आर। देखो यहां पे ध्यान देना, मैंने यूनिट वेक्टर लिखे, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ये क्या है मेरा वायर सेवर लॉ। थैंक यू सो मच। यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट, कभी आप एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का मल्टीप्लाई, तो हमें किसके बराबर होता है वो, वन अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है। और सी क्या है यहाँ पे, आपका स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, इन वैक्यूम। ये भी वैक्यूम में होगा, ये भी वैक्यूम में होगा, तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी किसमें आएगी, वैक्यूम में ही आएगी। अगर आप जनरल मीडियम के करते हो, मीडियम के लिए करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, म्यू आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन वी स्क्वायर। ये किसके लिए, मीडियम के लिए, और ये किसके लिए, वैक्यूम के लिए।